हाँ साले साहब, हाँ अपना सीजन आ गया गर्मी का, तो बस मशीनों बन रही है अपने गन्ने की रस की। यस, घर चले जाओ जरा, मैं आपको अस्पताल दिखा के लिया। हाँ भैया चले जाता हूँ। पापा ये क्या कर रहे हो? फिरोज वो देख गिरा का है। अरे भैया ये मशीन का भाव बता देते ना। ये पड़ेगी आपको 28,000 की और ये पड़ेगी आपको 26,000 की। अरे भैया इतनी महंगी, तो क्या फ्री में लेगा? हाँ भैया क्या चाहिए आपको? भैया मशीन चाहिए। तो भैया देख लो ना, ये 10,000 में आ जाएगी और वो 5,000 में आ जाएगी। भैया सही में? अरे क्या तू पागल हो गया क्या? अरे भैया अपन ने पैसा तो बहुत कमा लिए, तेरे को इसकी एक बात बताता हूँ। क्या बात है भैया, आप ये मोटर क्यों बेच रहे हो? भैया मैं इसको बेच के गर्मी में गन्ने के रस की दुकान लगाऊंगा। भाई ये 5,000 से ज्यादा की नहीं जाएगी। ठीक है भैया, आप 5,000 रुपए दे दो। पापा मशीन तो बहुत महंगी आएगी, 5,000 में क्या होगा? बेटा देखते हैं, नहीं तो पैसे जमा करके अपन अगले साल ले लेंगे। वाह यार भाई क्या सोचे तेरी, गरीब भी तो पैसा कमा लेगा तो अपने को दुआई देगा। अरे ठीक है भैया मिल जाएगी, आप ऑटो ले आओ। बेटा तू यही खड़े रहना, भैया मैं अभी ऑटो लेके आया। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। ये तेरे और ये तेरे और ये तेरे। हाँ भैया पूरा पेमेंट कर दिया मजदूरों को। भैया आपने मेरे पैसे नहीं दिए, तेरे पैसे सेठ ने काटने का बोले। भैया ऐसा मत करो, मेरा घर का राशन लेके जाना है, मैं आपके पैसे थोड़े थोड़े करके कटवा दूंगा। देख भाई मेरे को सेठ ने तेरे पैसे काटने का बोले, इसलिए मैं तेरे पैसे काट रहा हूँ। मेरे हाथ में कुछ नहीं, अगर तेरे को पैसे चाहिए तो सेठ से बात कर ले। भैया मैं सेठ से आके बात करता हूँ। पैसे काटेंगे कुछ भी नहीं होगा, एक रुपए नहीं मिलेगा, चल निकल इधर से। ये ले तेरे पैसे। कह रहे क्या हुआ? भैया कुछ आप ही समझ लो ना। चल मैं बात करता हूँ तेरी सेठ से। अरे भैया इसको पैसे दे दो, ये अगले महीने पैसे कटवा देगा। तू कह रहे कितने दिन से जुड़ा हो तू पैसों के लिए, और अभी भी तेरे को पैसे चाहिए? एक रुपया भी नहीं मिलेगा, चल निकल इधर से। कोई जरूरत नहीं इसको पैसे देने की, लाश लग दे। ठीक है भैया ये ले तेरे 10,000 रुपए पकड़। बेचारा बहुत रो रहा है यार, एक काम कर तो इसकी मदद मेरे पास से कर देता हूँ। ए तमजीत ये पैसे रख ले, धीरे से सेठ देख रहे हैं सामने से, मुझे बाद में दे देना। एक गरीब ही गरीब का दर्द समझता है। मेरे को आज की तारीख में ये सारे माल को डिलीवरी करना है, जल्दी जल्दी आज चलाओ गाड़ी भरो। और मजदूर कहाँ है? कह रहे अबे कह रहे काम करना है क्या, आराम करना है यहाँ पे? अरे सेठ जी अबे क्या साले दारू पी के रखा है क्या? अबे देखो क्या यहाँ पे मैं बैठने के पैसे देता हूँ क्या? अरे क्या पागल हो गए क्या तुम, उसको मार क्यों रहो? तुमको मालूम है वो? अरे ये क्या हो गया? अरे क्या हो गया तमजीत? अरे कुछ नहीं सेठ, थोड़े चक्कर आ गए थे। चल ठीक है, तू थोड़ा पानी वानी पी ले, आराम कर ले। इसको सुबह से बुखार था, इसको मैंने बोला था कि बैठ जा, इसको कुछ हो जाएगा तो इसके छोटे छोटे बच्चे कौन संभालेगा? तमजीत मेरे को माफ कर देना यार, मेरे को मालूम नहीं था। ये कुछ पैसे ले और अच्छे डॉक्टर को दिखा, ये ले जा। अरे की जिम्मेदारी ही इतनी है कि बुखार भी कोई असर ही नहीं करता। ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें। अरे फटाफट करो, आराम के पैसे नहीं देता हूँ तुम लोगों को। कर रहे सेठ? हाउ सेठ। अरे भैया तुम इतनी चिल्ला चोट मत करा करो, कोई मजदूर को लग जाएगी तुम्हारे चक्कर में। चल काम कर, हिमायती मत बन। अबे क्या बातें सुन रहे, आराम के नोट लेता है क्या? चल फटाफट कर। अरे कहाँ लग गई? देखा भैया तुम्हारे चिल्ला चोट करने के चक्कर में आज इसको लग गई, कितना खून निकल रहा है। अबे मैं क्या करूँ इसे लग गई तो, ऐसे कई मजदूर मरे हैं ना जब मेरे पास, तब जाके मैंने नोट छापे और इतना बड़ा ठेकेदार बना हूँ। लेके निकलो इसको यहाँ से। भैया अगर आपको मजदूर का दर्द नहीं है ना, ए काम बंद करो रे, कोई भी इसकी साइड पे काम नहीं करेगा। चलो भैया चलो। अरे भैया मैं क्या करूँगा, मेरा हाथ टूट गया, मैंने छोटे छोटे बच्चे में उनको कहाँ से कमा के खिलाऊंगा। तू टेंशन मत ले, हम कैसे भी कर्जा लेंगे लेकिन तेरा इलाज पूरा करवाएंगे। जल्दी का काम शैतान का होता है। ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। अरे भाई मुझे दिखा मेरा नाप। ठीक है भैया ये देखो। हाँ चल ठीक है, ये दो जोड़ी निकाल दे। और कुछ दिखाऊं आपको? अच्छा ये दोनों हो गए, अब ये दो जोड़ बच्चों के निकाल दो, पैक कर दे। ये लीजिए भैया आपके 200 रुपए हो गए। ला मेरे बाकी के पैसे तो दे दे। अरे भैया बाकी के पैसे, मुझको समझा नहीं। अबे मैंने तेरे को 500 रुपए दिया ना, मेरे को 300 रुपए वापस दे। अरे भैया आपने कब दिए, क्यों झूठ बोल रहा हूँ? मैं झूठ बोल रहा हूँ? अबे साले मेरे 300 रुपए वापस दे, नहीं तो तेरी दुकान पलटा दूंगा पूरी में। अरे भैया आप चिल्लाओ मत, मेरी दुकानदारी पे बहुत असर पड़ेगा। हाँ तो फटाफट मेरे 300 रुपए वापस कर। ये लीजिए भैया। साला मेरे से संपत्ति कर रहा था। अरे ये मोबाइल लगता है भूल गया। अरे मेरा मोबाइल, भैया मेरा मोबाइल आपको मिला क्या? भैया आप घबराओ मत, आपका मोबाइल यहीं पर भूल के चले गए थे। भैया मैंने आपके साथ बहुत गलत किया था, मैंने आपसे झूठ बोल के पैसे लेके चले गया था। भैया ये आपके पैसे ले लो और मुझे माफ कर देना। भैया आपने एक बात याद रखना, आपने ऐसा किसी गरीब के साथ मत करना। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। देख तमजीत मेरा नया मोबाइल। वाह यार भाई बहुत अच्छा मोबाइल है, मैं भी मेरे पापा को बोलूंगा, मेरे को भी दिलाएंगे। अबे गरीब तेरी औकात नहीं इतना महंगा फोन लेने की। एप्पल का आईफोन है 1.5 लाख रुपए का ये। बेटा तमजीत, तमजीत हाँ क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहा हूँ?
अरे बेटा इधर आ, देख मैंने तेल लेके आया हूँ बेटा, इधर आ जल्दी आ। ऐसा क्या लिया जो इतना चिल्ला रहा, ला बताओ। देख बेटा मैंने तेरे लिए क्या लेकर आया, कैसा लगा? अरे पापा आप ये मेरे लिए टूटा हुआ मोबाइल लेके आ गए। अरे बेटा तुझे तो पता है ना कि मैं अंधा हूँ, मेरे को जैसा समझ में आया मैंने लिया आया बेटा, बाकी तेरी खुशी के लिए लेकर आया हूँ मैं। अरे मैं तुम्हारे से परेशान हो गया हूँ, ऊपर वाला तुम्हारे जैसा बाप किसी को नहीं दे। चलो मैं तुमको वृद्ध आश्रम छोड़कर आता हूँ। बाप का प्यार बच्चे नहीं समझ सकते। वीडियो पसंद नहीं हो तो एक लाइक जरूर करें।